इंडियन सॉल्फेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे की ड्रमिंग के कुछ नए लेसन्स। पिछले वीडियो में भी मैंने की ड्रमिंग के चार बेसिक्स लेसन सिखाया था। अगर आप आज का लेसन्स आसानी से समझना चाहते हैं तो आपको वो चारों लेसन्स अच्छी तरह आना चाहिए, क्योंकि आज के जो लेसन्स हैं उन्हीं चारों लेसन्स को मिक्स करके बनाया गया है। जैसे लेसन वन और लेसन टू को जब हम मिला देंगे तो एक नया लेसन बनेगा ड्रम का। शायद आपको याद होगा, ये था हमारा लेसन वन। और ये हमारा लेसन टू था। अब करना ये है कि इन दोनों लेसन्स को मिला के एक साथ बजाना है, तो बन जाएगा हमारा नया लेसन। इस लेसन में मैंने पहले लेसन वन बजाया था, उसके बाद लेसन टू बजाया था। अब मैं एक और नया लेसन बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं पहले लेसन टू बजाऊंगा, फिर उसके बाद लेसन वन बजाऊंगा। जब दोनों लेसन्स को एक साथ मिक्स करके जब बजाएंगे तो बन जाएगा हमारा नया लेसन। तो देखा आपने कितनी आसानी से पुराने लेसन्स को मिक्स करके हम नए लेसन्स बना सकते हैं। चलिए अब कुछ और मिक्सअप्स ट्राई करते हैं। जैसे लेसन वन एंड थ्री को या टू और थ्री को मिक्स करते हैं तो कुछ खास नहीं मिलता। जैसे तो ये लेसन उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं था और ये ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। तो चलिए कुछ नया मिक्सअप ट्राई करते हैं। लेसन वन और लेसन फोर को मिक्स करते हैं। ये बहुत बढ़िया लेसन है जो कई बॉलीवुड गानों में यूज हुआ है। अब चलिए नया लेसन बनाते हैं। इसी लेसन को ठीक उल्टा बजाना है, यानी लेसन फोर पहले बजाना है और लेसन वन बाद में बजाना है। अरे वाह, ये वाला तो और भी कमाल का लेसन है जो मैं अक्सर बॉलीवुड सॉन्ग्स में सुनता हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है नए लेसन्स बनाना। पुराने लेसन्स को मिक्स कीजिए और नए लेसन्स बनाइए। की ड्रमिंग का यूज़ आजकल म्यूज़िक प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और इन सभी लेसन्स को धीरे धीरे फास्ट करने की कोशिश कीजिए और एंजॉय की ड्रमिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।